बसने दो, एक बेटे को तो खा गई हो, अब दूसरे को भी निकलना चाहती हो। नहीं नहीं, तुम्हें इस घर में रख सकती थी मैं, तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। तुम्हारी दादी को हार्ट अटैक हुआ है। कौन से अस्पताल में? कार्डियो में है, 12 ब्लॉक में। जाओ ढूंढो उनको, ना आना यहाँ पे। क्या मुझे बता सकते हैं कि सलमा जहाँ किस वार्ड में? नो मैडम, इस नाम की कोई पेशेंट्स नहीं है हमारे पास। अरे बहू, तुम इतनी देर यहाँ क्या कर रही हो? जुनेद लेट हो गया होगा, उसका इंतजार कर रही हो। यहाँ यहाँ क्यों आई हैं? कुछ चाहिए क्या आपको? जावेद कहाँ है? अरे अरे बस बस, एक ही सांस में इतने सारे सवाल, ये बताओ घबराई भी क्यों हो? जुनेद अभी तक नहीं आया? नहीं नहीं, जुनेद तो आ गया है अम्मा, उसके कुछ दोस्त भी आए हैं ना। आपको कुछ चाहिए क्या? वो मैंने पानी पीना था, वो मैंने पी लिया। मैंने जावेद को नहीं जगाया, वो बेचारा आराम से अभी सोया है। अरे ये कौन आ गया? मैं देख। नहीं नहीं नहीं, मैं देख लूंगी। अरे भाई जुनेद है ना, वो दोस्तों के लिए चीजें ला रहा है। आप जाए ना अपने कमरे में, पानी अगर चाहिए होगा तो सिरहाने रख दूंगी बोतल, आप जाइए। ठीक है बेटा, मैं तुम देख लेना कौन है, मैं जाती हूँ अपने कमरे में सोने। हाँ मैं देख लूंगी, आप जाए, बस अब आने की जरूरत नहीं है, पानी वहीं रख दूंगी सिरहाने पे। तुम फिर आ गई? अम्मी मुझे दादी किसी अस्पताल में नहीं मिली और ना अब्बा जान मिले, मुझे बता दे वो कौन से वार्ड में। अभी तो बताया है मैंने, अगर उस ब्लॉक में नहीं मिले तो किसी और ब्लॉक में देखना था ना, मुझे तो यही बता के गए हैं जावेद। मुझे एक फोन करवा दे, मैं अब्बा जान से एड्रेस पूछ लूंगी। तुम इस घर में कदम नहीं रख सकती, समझ में आ गई? दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ, वापस मत आना। और मैं अभी सारे दरवाजे लॉक करके सो रही हूँ, समझी? अरे जाओ, मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ, और अब अपनी शक्ल ना दिखाना मुझे। चलो यहाँ। क्या हुआ बहू, क्या हो गया, इतनी चीखें क्यों मार रही हो? किसी पे भी नहीं चीख रही हूँ, आप बार बार उठ के क्यों आ रही हैं? तबीयत तो ठीक है आपकी? अरे बेटा मुझे तो हॉल उठ रहे हैं, पता नहीं इस घर में क्या हो रहा है। और तुम तो कभी इतनी देर तक नहीं जागी, तुम क्या गेट पर खड़ी होकर चीखें मार रही हो? भाई अब आप जाएं, जाके सो जाएं, क्योंकि मैं भी अब सोने जा रही हूँ। अच्छा मैं जाती हूँ, पर जरा दरवाजे पे देख लेना। हाँ अच्छी तरह। आंटी मैंने आपका पानी रख दिया है। जीती रहो बेटा, तुम्हें मेरी वजह से कितनी तकलीफ उठानी पड़ रही है। ये क्या कह रही हैं आंटी, इसमें क्या तकलीफ? फिर भी बेटा आरफा अकेली होगी। ओहो अम्मी की तो बिल्कुल फिक्र ना करें, अभी तो वो बेखबर सो रही होंगी, खाना और दवा खिला कर आई थी मैं उन्हें। चलो अशर आता तो तुम चली जाती घर,
थोड़ा आराम कर लेती, थक गई होगी। आंटी अशर आ चुका है। अशर आ गया है? जी। कुछ पूछ तो नहीं रहा था मरियम के बारे में? नहीं, वो मेरा उसका सामना नहीं हुआ। मैं कमरे से निकल रही थी तो मैंने देखा कि वो भाभी के कमरे के बाहर खड़ा हुआ है। कुछ सोच रहा था लेकिन अंदर नहीं गया, वापस अपने कमरे में गया, फिर निकला, फिर खाना उठाया और फिर अपने कमरे में चला गया। मैंने सोचा कि आज सामना ना ही करूं तो बेहतर है। अच्छा किया, खामखा देखता तो तरह तरह के सवाल पूछता। सुबह देखी जाएगी। अच्छा ठीक है, फिर आ जाओ, लेट जाओ मेरे पास ही। आ जाओ। दादी और पोती ने तो जैसे आबे हयात भी रखी है, पता नहीं इनसे कब जान छूटेगी। क्या हो गया अम्मी, आखिर आप सो क्यों नहीं जाती? अरे वो मनहूस आई थी, बड़ी मुश्किलों से उसको निकाल बाहर किया है मैंने। और ये तुम्हारी दादी, इतनी अजीब और गरीब चीजें घड़ी घड़ी निकल कर बाहर आ जाती। आप क्यों परेशान हो रही है? बल्कि एक काम करता हूँ, घर के सारे दरवाजे में लॉक कर देता हूँ, मैं सब कुछ संभाल लूंगा ना, आप जाके सोए। हाँ जा ही रही हूँ सोने, दरवाजे मैंने लॉक कर दिए और बस बाकी तुम देख लेना। दिमाग मेरा अब खत्म हो गया इन लोगों की वजह से। Excuse me. मेरा ख्याल है आप किसी की तलाश में। मैं इस हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ, अगर आपको मेरी हेल्प की जरूरत है तो प्लीज बता दें। मेरी दादी है सलमा बेगम, वो रात को एडमिट हुई थी लेकिन मुझे मिल नहीं रही। देखिए आप मेरे साथ रिसेप्शन तक चलें, आप उन्हें डिटेल बता दें, इंशाल्लाह भी पता चल जाएगा। देखिए हो सकता है मरीज को तलाश करने के लिए डिटेल चाहिए, आप बता देंगी तो इंशाल्लाह जल्दी मिल जाएंगी और आसानी से मिल जाएंगी। आप प्लीज आइए, आइए प्लीज। छोड़ो मेरा हाथ। ज्यादा शोर करने की जरूरत नहीं है, वरना इसी हॉस्पिटल के किसी कमरे में मार के फेंक दूंगा। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी, जो मैं कह रहा हूँ वो करो, चुपचाप मेरे साथ ऊपर चलो, समझी तुम? चलो चलो। तुम क्या कर रहे हो? यार तेरी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ी सी तकलीफ है तो डॉक्टर को चेकअप करवा लें। जाओ ना इमरजेंसी में लेके जाओ। हाँ हाँ वहीं जा रहा हूँ, वहीं जा रहा हूँ। मैंने इस इलाके की तमाम कार्डियोज में पता कर लिया, आपकी दादी यहाँ नहीं आई और इन दिनों में तो आई नहीं है बिल्कुल। हो सकता है कोई गलत फहमी हो, आप घर वालों से पूछ लें, शायद कहीं और गई हो। जी अच्छा मैं घर जाके पूछ लूंगी। मुझे लगता है कि आपको इसके अलावा भी कोई परेशानी है, और बल्कि मुझे तो आप खुद भी बीमार दिख रही हैं। नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप अपना काम करें जाके। हाँ मैं अपना ही काम कर रहा हूँ, किसी मुसीबत ज़दा इंसान की मदद करना काम नहीं तो और क्या है। आपको गलत फहमी हुई है, मैं कोई मुसीबत ज़दा लड़की नहीं हूँ, मेरा घर बार है, मेरी फैमिली है,
अच्छा आपकी फैमिली भी है, तो आपको आपकी फैमिली ने इतनी रात को अकेले कैसे छोड़ दिया? आपसे मतलब? जाइए अपना काम कीजिए। आप इतनी रात को अकेले कैसे जाएंगे? हालात भी ठीक नहीं है। ऐसा करता हूँ मैं आपके साथ चलता हूँ, शायद कुछ मदद हो जाए आपकी। मैंने आपसे कहा ना बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, जाइए यहाँ से। देखिए मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, आप बिला वजह तकल्लुफ कर रही हैं। अच्छा चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। मेरा हाथ छोड़ो, मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो, क्या मेरा हाथ? जाइए यहाँ से वरना मैं गार्ड को बुला लूंगी। भाभी 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 कहाँ चली गई? क्या भाभी भाभी की रट लगाई होती है इसने, पता नहीं क्या शोर मचा रहे हो सुबह सुबह। अरे भाभी कहाँ है, पूरा घर छान मारा नहीं है। हाँ तो वो नहीं है ना। अम्मी ये क्या कह रही हैं? हाँ ठीक कह रही हूँ, तुम्हें क्यों इतनी परेशानी हो रही? इसलिए अम्मी के वो इद्दत में है। हाँ इद्दत में है, इसीलिए तो भेजा है। इद्दत में ना महरम के सामने नहीं जाते, इस घर में तो उसे तुम्हारे बगैर चैन ही नहीं आता। आपको भाभी पे भरोसा नहीं है, मुझ पर तो होना चाहिए। अगर मैं उनका ख्याल करता हूँ, उनसे बात कर लेता हूँ, मिल लेता हूँ उनसे, तो पर्दे का ख्याल करके करता हूँ। पर आपने उनको वहां भेज दिया जहां पे सब उनसे नफरत करते हैं। अशर, अहमर के बाद इस घर की बड़ी मैं, मैंने जो फैसला कर दिया बस कर दिया। अच्छा ठीक है, ये बताएं आपने किसके साथ भेजा मुझे? एक गैर लड़की के लिए तुम्हारी ये तड़प मेरी समझ से बाहर है। अम्मी वो गैर लड़की नहीं है, आपके मरहूम बेटे की बीवी है, उसके बच्चे की होने वाली माँ है वो। बस कर दो अशर, मुझसे फजूल बहस मत किया करो। यार मुझे मरियम की बहुत फिक्र है, मैं मरियम को हमेशा खुश देखना चाहता हूँ, उसे कभी उदास नहीं देखना चाहता। और मैंने इसी अहद से उसे अपनाया था कि मेरी जिंदगी में आने के बाद मैं उसे किसी किस्म के दुख का सामना नहीं होने दूंगा। आप फिर आ गई अम्मा। अरे दुल्हन और कितना सोऊंगी, नमाज भी ना पढ़ू। आए हाय तो फिर पढ़ लेना, यहाँ क्या कर रही है बोर्चे खाने में? अरे मैंने नमाज पढ़ ली है, अब मैं ना जरा चाय पीऊंगी, मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तो सारी रात ये बुढ़िया मेरे सर पे घूमती रही, अब फिर उठकर आ गई है, कैसे भगाऊं इसको यहाँ से। हाँ, मुझे कुछ कहा दुल्हन? नहीं नहीं मैं ये कह रही थी चाय तो मैंने बना ली है अपने लिए, आप यही ले जाएं। दूध डालूं या दूध के बगैर? नहीं नहीं ऐसे ही दे दो मुझे, और मैं खुद चाय बना सकती थी। हाँ ये आप पी रहे कमरे में जाके सुकून से। अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक, आप कैसी? भाभी हैं, मैं उनसे मिलने आया था।
नहीं, वो तो यहाँ नहीं आई। अम्मी ने एक्चुअली मुझे बताया था कि वो आपके घर आई हुई है, वो बताना भूल गई कि शायद आरफा आंटी कहना गई, मैं वहाँ देख लेती हूँ। अच्छा, कुछ चाय ठंडा? फिर किसी वक्त आऊँ, अभी चलता हूँ। अच्छा ठीक है, चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़। क्या बात खैरियत, सुबह सुबह दरवाजे पर? वो मांगने वाला था, ऐसे ही बस दिमाग खा रहा था। अब सरकार मैं कुछ मांगने वाला हूँ, मुझे भी इसी तरह न भगा देना। जी बहुत भूख लगी है, खाना दीजिए कुछ। देती हूँ। टुकड़ों में जीने हैं, टूटे से रिश्ते। सारा शहर ढूंढ मारा मैंने। अच्छा मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, तेरे पास नहीं चलो। अच्छा चले, उठे 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 उठे। साहब कैसी तबीयत है उनकी? आप इसको कैसी हालत में लेकर आए हैं? ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म हो गई है, बीपी भी लो है, बात तक करने की ताकत नहीं है, कमजोरी बहुत ज्यादा है और मुझे लगता है काफी घंटों से कुछ खाया भी नहीं है। तो दरअसल मैं हैदराबाद चला गया था तो इन्होंने पीछे से घर का सारा काम कर। आप तो जानते हैं ना कि उसकी कंडीशन कितनी वीक है। कोई खतरे वाली बात तो नहीं है? देखिए मैंने उनको अभी ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ है, अभी मैं कुछ भी नहीं कह सकती हूँ और बच्चे की सांस भी नहीं चल रही है। देखिए मैं आपको कुछ दवाइयाँ लिख के दे रही हूँ, वो आप फौरन लेकर आए। जी ठीक है। ये इस घर में नहीं रहेगी, अगर ये इस घर में रही तो तुम मेरा मरा मुंह देखोगे। ठीक है, आपके हुक्म के खिलाफ नहीं जाऊंगा, आप इस घर में नहीं रहे, मैं भी नहीं रहूंगा। डाइन ने मेरे दोनों बेटे मुझसे छीन लिए, एक को दिल से दूर कर दिए, दूसरे को नजरों से। दोनों पे कब्जा कर रही है उस मनहूस ने। क्या बचा है मेरे पास? कुछ भी नहीं। आंटी, आपके बेटे को आपसे कोई जुदा नहीं कर सकता, सारे रिश्ते वक्ती होते हैं, सबसे मजबूत रिश्ता तो औलाद और माँ का होता है। आप प्लीज उदास ना,
अशर गुस्से में बोल गया होगा, अभी देखिएगा घर आएगा और आपको गले से लगा लेगा। बस दो चार रोज की बात है, फिर हमारे घर में सिर्फ सुकून होगा। अशर भी रफ्ता रफ्ता हालात से समझौता कर लेगा। प्लीज आप परेशान ना। साहब कैसी तबीयत उनकी? अभी मरियम की तबीयत कुछ बेहतर है, आधे घंटे में आप उसे घर लेके जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। दवाओं और इंजेक्शन की पाबंदी होना ज़रूरी है और ताकत के 12 इंजेक्शनों का कोर्स भी पूरा करना होगा। जी बिल्कुल ठीक। फिलहाल इंजेक्शन का असर रहेगा, उसे सोने दीजिएगा। जब वो सो के उठे तो उसे पेट भर के खाना ज़रूर खिला दीजिएगा, क्योंकि वीकनेस अभी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक। जी मैं आपको घर लेके जा रहा हूँ। मगर अम्मी वो रात को बहुत गुस्से में थी अशर, क्या वो मुझे रख लेंगी? क्यों नहीं भाभी, वो आपका भी रात को अम्मी की तबीयत खराब थी, उनका बीपी हाई होगा, उस वजह से उन्होंने कुछ कह दिया होगा गुस्से में आपका। अभी आप घर जाएंगी ना तो देखिएगा खुद बहुत परेशान होगा। बहुत ज्यादा आओ अशर। इस नफुसत के ढेर को फिर उठा लाए हो तुम? आप अपने कमरे में जाए, मैं आपसे वहीं आके बात करूं। मुझे कोई बात नहीं करनी है तुमसे, निकालो इसे घर से। क्यों निकालूं अम्मी, इनका भी तो घर है ये, और इस कंडीशन में कहां जाएंगी? ये घर मेरा है, या वही होगा जो मैं चाहती हूँ, और जहां से लेके आए हो वहीं छोड़ के आओ इसे। सड़क से उठा के लाया हूं मीन को मैं, सड़क से। सारी रात सड़क पे भटकती रही है, और आप चाहती हैं कि मैं अपने भाई की इज्जत को सड़क पे भटकने के लिए छोड़ दूं? आपको क्या हो गया, ऐसा क्यों कर रही हैं आप? तुम्हें क्या हो गया, क्या हो गया तुम्हें जो गैर औरत को अपनी माँ के मुकाबले पे ला के खड़ा कर रहे हो, माँ की बात को टाल रहे हो इसकी वजह से? माँ के वास्ते क्यों ऐसी बातें कर रही हैं आप? ऐसा सलूक इंसान जानवर के साथ नहीं करता। जो मैं कर रही हूँ वो नामुनासिब है, और जो तुम कर रहे हो वो मुनासिब है? एक गैर और नामहरम औरत के साथ घूमते फिर रहे हो? माफ कीजिएगा मैं, और तो फिर इस घर का हिस्सा हूँ, एक रिश्ता है मेरा इनसे। आपको ख्याल नहीं आया इनको घर से निकालते वक्त? इद्दत में है ये, सारी रात सड़कों पर भटकती रही है, कितने नामहरमों की नजर पड़ी होगी इन पे। अशर तुम माँ के साथ जबान चला रहे हो, ये इस घर में नहीं रहेगी। अगर ये इस घर में रही तो तुम मेरा मरा मुंह देखोगे। ठीक है, आपके हुक्म के खिलाफ नहीं जाऊंगा। आप भी इस घर में नहीं रहे, मैं भी नहीं रहूंगा। आप ही के साथ जाऊंगा मैं, कि मुझे अपने भाई से किया हुआ वादा किसी भी कीमत पर निभाना। अब आगे आप बता दें, हम यहां इस घर में रहें या चले जाएं? मुझे क्यों लेके आ गए, मुझे दादी के पास ही छोड़ देते। भाभी आप जाके आराम कर, मम्मी की तबीयत अभी ठीक नहीं है, उनका बीपी हाई,
आप जब सो के उठ जाएंगे तो हम उनसे बात करें। चाय आप आराम करें। बड़ी जिम्मेदारी दे गए भाई आप मुझे, खुदा करे कि मैं इसको पूरा कर सकूं। कम से कम सिचुएशन को समझने की कोशिश तो करें। आप जानती हैं भाभी के घर के दरवाजे उन पे बंद हैं, ऐसी हालत में वो कहां जाएंगे? इस वक्त वो हमारी जिम्मेदारी है, हमारे रहमो करम है। कम से कम उस बच्चे का ख्याल कर लें जो भाई की आखिरी निशानी है। कम से कम उसको तो इस दुनिया में आने दें जब तक भाभी को बर्दाश्त कर लें। ये हमारी जिम्मेदारी भी है और सवाब का काम भी है। इस दुनिया में तुम ही रह गए हो सवाब कमाने के। मैंने एक ऐसी मनहूस लड़की को बहू बना के इस घर में ले आई जिसे कोई पूछता तक नहीं था। बेटी की मौत के बाद भी उसकी नहुसत के साए बर्दाश्त करो। कैसी बातें कर रही हो? मौत और जिंदगी अल्लाह के हाथ में है, आप कैसे किसी इंसान के हाथ में दे सकती हैं? बस कर दो ये वाज़ मैं तुमसे ज्यादा अच्छी तरह जानती हूँ क्या सही है और क्या गलत है। यही तो कह रहा हूँ कि आप मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से जानती हैं। दीनी और दुनियावी दोनों तालीमें हासिल की आपने, फिर क्यों अपनी सोच को गलत राह पे डाला? आप खुद बताएं मुझे, फिर भाभी के पास किसी की मौत और जिंदगी का अख्तियार होता तो क्या वो अपनी माँ को मरेगी, अपने प्यार करने वाले शोहर को मारकर बेवा कर ले? तुम सोचो मुझे कैसे मिले? बस कर दो अशर, मेरा दिमाग ना खाओ, जाओ यहां से। ये तुम नहीं बोल रहे हो, तुम्हारे मुंह में उसकी जबान बोल रही है, जाओ। आप आ गए? अरे आज आप बेवक्ती सो गई? पूरी रात जो नहीं सोई हूं जावेद। क्यों भाई? आपका बेटा है ना। क्या हुआ जुनेद को? बस रात में वो अपने दोस्तों को ले आया, फिर उनके लिए खाना बनाया, कॉफी चाय, इन्हीं में पूरी रात गुजर गई। अच्छा है ना दोस्तों को घर ले आता है, बाहर नहीं जाता, बुरे माहौल से बचता है। हाँ वैसे ये तो है। तो फिर इतनी तकलीफ तो उठानी पड़ेगी। अपने बच्चे के लिए मैं एक रात तो क्या 10 रात जाग सकती हूँ। तो फिर गुस्सा किस बात का? बस ऐसे ही। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। मैं सोच रही थी जावेद जुनेद की शादी कर दूं। सादिया क्या हो गया तुम्हें? अभी वो बच्चा है। कोई बच्चा नहीं है जावेद, इस साल वो खैर से माशाल्लाह 21 साल का हो जाएगा और उसने हमारा बिजनेस भी एस्टेब्लिश कर लिया है। इससे पहले कि वो किसी गलत लड़की के चक्रों में पड़े, मैं तो कहती हूँ कोई अच्छा खानदान देखकर अच्छी लड़की से उसकी शादी कर। और वैसे भी जावेद हमारे बेटे में ना बहुत लोगों की नजर होगी। कह दो तुम ठीक रही हो, लेकिन इसका फैसला चाय के साथ होगा। अभी लाते हैं। अरे आंटी खुद को संभाले प्लीज, अगर आपको कुछ हो गया तो मर जाने दो मुझे। आंटी और क्या करूं मैं, एक बेटा इस दुनिया से चला गया, मर के मुझसे दूर हो गया और दूसरा जिंदा होते हुए भी मेरा नहीं है।
पता नहीं किस दुश्मनी का बदला लिया है उसने मुझसे, जब मेरे दोनों बेटे मुझसे छीन लिए। आप क्यों गम करिए आंटी, मैं हूं ना आपके साथ, आप अकेली थोड़े हैं। देखिएगा हम दोनों मिलकर कोई ना कोई हल निकाल लेंगे इस बात का, और अशर को भी समझ आ जाएगा। हमारा मसला ये नहीं है कि मरियम को घर से निकालना, हमें उसे अशर के दिल से निकालना है। इसके लिए हमें बहुत सोच समझ कर समझदारी से काम लेना होगा। इसलिए गुस्से और जज्बात को एक तरफ रखकर फिलहाल नॉर्मल रहें, ताकि अशर के भी दिल में हमारे लिए जो शक व शुबहात है वो दूर हो जाए। हम अशर को बता देंगे कि हम गलत नहीं हैं, ठीक है ना? फुर्सत मिले तो दो घड़ी आंटी के साथ बैठ जाना। क्यों? तुम हो ना उनके पास, मेरी क्या जरूरत? तो क्या करूं, दुखों से लड़ने के लिए उन्हें अकेला छोड़ दूं? जब तक इंसान खुद ना चाहे वो दुखों से नहीं निकल सकता। भाई की मौत कुदरत का फैसला था, जब तक अम्मी ये बात एक्सेप्ट नहीं करेंगी कुछ नहीं हो सकता। अशर वो माँ है तुम्हारी, औलाद की मौत ने उन्हें जिंदा दरगोर कर दिया है, तुम्हारी तरह उन्हें बातों से तसल्ली नहीं मिलेगी। इसका मतलब है दूसरों को दुख देना शुरू कर दूं। उनका रवैया भाभी के साथ बहुत गैर मुनासिब था। घर से निकालते वक्त उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि वो इस घर की इज्जत है किस हालत में। एक घंटा उनको ऑक्सीजन लगी, डॉक्टर मुझ पर चिल्ला रहा था कि ये क्या करके लाए। बीपी भी लो था उनका, बच्चे की सांस भी प्रॉपर नहीं चल रही थी। अशर तुम्हें गलत फहमी हुई है, आंटी ने भाभी को नहीं निकाला, अरे वो तो खुद गुस्से में चली गई। अच्छा अगर ऐसी बात है तो सुबह भाभी को मेरे साथ देखकर आग बगोला क्यों हो गई थी? मेरे सामने अगर मैं उनको घर से निकाल सकती हूँ तो मेरे पीछे क्या किया होगा? अशर वो माँ है तुम्हारी, लिहाज से बात करो। बस यार बस प्लीज, मेरा दिमाग खराब हो रहा है इस वक्त, प्लीज। यू डोंट नो मैं रात को किस कब से गुजरा। देखो ये तुम लोग का पर्सनल मामला है, मैं ज्यादा नहीं बोल सकती, मेरा हक नहीं बनता। मैंने आंटी को समझाने की कोशिश की, प्रॉब्लम ये है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, बीपी बहुत हाई हो रहा है, वो भी कोई बात नहीं समझेंगे। मुझे घर जाना होगा, कल रात से यहाँ आई हुई, मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं है। हो सके तो आंटी का ख्याल रखना, खाना और दवाई मैंने उन्हें दे दी है। अम्मा प्लीज आप आराम कर लें, कल भी पूरी रात आप जागती रही हैं, आधा दिन गुजर गया है, आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। मैं क्या करूं जावेद, मुझे एक पल चैन नहीं आ रहा, रात को नींद नहीं आती, सुकून नहीं है, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। क्यों, आखिर क्यों अम्मा? अरे मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मरियम बहुत परेशान है, वो मुझे बुला रही है, उसको मेरी ज़रूरत है, वो रो रही है, वो मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे बड़ी घबराहट है भाई। अम्मा सब कुछ ठीक है, अगर कोई खुदा ना खास ऐसी बात होती तो वो हमें फ़ोन करते, कम अज़ कम अशर तो बताता। अगर ऐसा नहीं है तो क्यों मेरे दिमाग से उसका ख्याल नहीं जा रहा, क्यों मुझे चैन नहीं आ रहा? तुम्हें याद है जब अहमद का एक्सीडेंट हुआ था, इसी तरह सारी रात में घबराहट में रही थी, मुझे तो फिक्र ही है बस उसकी। अच्छा ऐसा करता हूँ कि मैं फोन मिला देता हूँ, आप फोन पे बात कर लें ताकि आपकी तसल्ली हो जाए। दादी का फोन। अस्सलाम वालेकुम दादी अम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, मैं जावेद बोल रहा हूँ। कैसे हैं अंकल आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, बस जरा अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है। अल्लाह उन्हें सेहत दे, क्या हुआ खैरियत? बस बेटा तबीयत तो काफ़ी दिनों से ख़राब है, वही बीपी का मसला।
नॉर्मल नहीं रहता ना, मगर कल रात से कुछ ज्यादा बेचैनी है, तबीयत में घबराहट है, बस सारी रात नहीं सोई वो। तो अंकल आप उनको कार्डियो ले जाना, एक बार चेकअप करवा लें। हाँ बेटा, कल रात में डॉक्टर के पास लेके गया था, माशाल्लाह सब कुछ नॉर्मल है, बस रात से घबराहट शुरू हो गई है। एक ही बात की जा रही है कि मुझे मरियम से मिलवाएं। उन्हें वहम हो गया शायद मरियम किसी प्रॉब्लम में है। बेटा जरा मरियम को फोन देना, मैं अम्मा से बात करवा दूंगा। वो अंकल भाभी सुबह डॉक्टर के पास गई थी, वापसी भी काफी थक गई थी, तो खाना खा के आराम कर रही हूँ, जैसी उठेंगी मैं आपसे बात करवा दूंगा दादी से भी। अच्छा ये अम्मा से बात कर लो ताकि उनको तसल्ली हो जाए, ये लीजिए बात कीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम दादी, मैं कैसी हैं आप? बस ठीक हूँ। आप भाभी के लिए परेशान मत हुआ करें, बस आप जल्दी से ठीक हो जाएं और जल्दी से यहाँ पे आ जाएं। हाँ हाँ बेटा जरूर आऊंगी, तुम मुझे बताओ मरियम तो ठीक है ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है दादी, सो रही हैं, जैसी उठती हैं मैं आपकी बात करवाता हूँ। अच्छा बेटा जीते रहो बेटा। हेलो। अच्छा ये फोन पे बात हो गई ना, तो प्लीज अब आराम कर, आज लेट लेट। कर रहे हो यहाँ बैठे? ऐसे ही है मैं। जाओ अंदर जाके सो जाओ। जाता हूँ मम्मी थोड़ी देर में। काश तुम जान सको मेरे बच्चे, माँ की ममता को समझ सको। औलाद की तरफ उठने वाली आंख को वो नोच लेती है, उसकी तरफ बढ़ने वाले हाथों को काट देती है। औलाद की हिफाजत के लिए वो सीसा पिलाई दीवार बन जाती है। एक की जुदाई ने मेरे दिल को किरची किरची कर दिया, अब मैं तुमसे जुदा होने का सोच भी नहीं सकती। अगर तुम्हें किसी से जरा सा भी नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो तो मैं उसे नीस तो नाबूद कर दूंगी। जब तक मैं जिंदा हूं तुम पर कोई आंच नहीं आ सकती, कोई आंच नहीं आ सकती। खुशियों से तो मेरा घर जरूर भरा रहेगा अगर आपकी मरियम की बुरी नजर ना हो मेरे घर पर। शाम तक मैं आ जाऊंगा और फोन अपने पास रखिएगा, मैं कॉल करता हूँ। अशर तुम ना एक काम करो, मुझे पूरा हिदायतनामा लिख के दे दो। बस हमें अशर के सामने ये ड्रामा करना पड़ेगा आंटी, ताकि वो हमारे काबू में आ जाए, और उसकी गैर मौजूदगी में हम भाभी को इतना तंग करेंगे कि वो ये घर छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे।